अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी कॉफ़ी, जो कि बिल्कुल बनेगी रेस्टोरेंट स्टाइल में और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो और अपडेट आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले हमें चाहिए इंस्टेंट कॉफ़ी। मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून इंस्टेंट कॉफ़ी यूज़ की है। मैंने नेस्कैफे की कॉफ़ी यूज़ की है, आप किसी भी ब्रांड की कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून शुगर। आप शुगर कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून हॉट वाटर। पानी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गर्म होना चाहिए, चाहे तो चूल्हे पर कर लें या ओवन में कर लें। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ बीटर। बीटर को मैंने बिल्कुल स्लो स्पीड पर पहले स्टार्ट किया था। आहिस्ता आहिस्ता मैं इसकी स्पीड जो है वो हाई करूँगी। और अगर आपके पास बीटर अवेलेबल नहीं है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप सेम प्रोसीजर जो है वो हैंड विस्कर के साथ कर सकते हैं। अगर आप हैंड विस्कर यूज़ नहीं करना चाहते तो आप सेम प्रोसीजर जो है वो स्पून के साथ भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी कॉफ़ी जो है वो बनकर रेडी होती है। बीटर के साथ जो है वो हमें आसानी रहती है, क्योंकि हम इसके साथ जो है वो 3 से 4 मिनट के अंदर जो है वो कैपेचिनो कॉफ़ी जो है वो रेडी कर लेते हैं। स्पून या विस्कर के साथ आपकी जो है वो ज़्यादा मेहनत लगती है, तकरीबन 15 मिनट के अंदर जो है वो कॉफ़ी अच्छे तरीके से बीट हो जाती है, अगर आप एक स्पून के साथ कॉफ़ी को बीट करते हैं। ये आप देख रहे हैं काफ़ी हद तक जो है वो हमारी कॉफ़ी का कलर चेंज हो गया है। तकरीबन मुझे अभी 2 मिनट भी कंप्लीट नहीं हुए और कॉफ़ी का कलर कितने अच्छे तरीके से जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। हमने इसे इतना बीट करना है कि इसके अंदर जो शुगर है वो अच्छे तरीके से जो है वो डिज़ोल्व हो जाए और ये बिल्कुल एक क्रीमी टेक्सचर में जो है वो हमारी कॉफ़ी रेडी हो जाए। तकरीबन जो है ये 3 मिनट का प्रोसीजर था। मैंने वीडियो थोड़ी सी फास्ट कर दी थी ताकि आप लोग बोर ना हो, और आप देख सकते हैं कितना क्रीमी सा टेक्सचर हमारा रेडी हो। अब मैं इसे शिफ्ट करूँगी कप में, और साथ जो है वो मैंने दूध भी जो है अच्छे तरीके से गर्म कर लिया था। जितनी कॉफ़ी हमें चाहिए हम इसे कप में शिफ्ट करेंगे, और बाकी कॉफ़ी को जो है वो हम एयर टाइट कंटेनर में डालकर फ्रिज में रख देंगे, और जब आपका दिल चाहे आप दोबारा जो है वो फ़ौरन से कॉफ़ी को इंजॉय कर सकते हैं। पहले मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी जो है वो कप में डाल दी है और इसमें गर्मा गर्म जो है वो दूध ऐड कर दिया। अब मैं थोड़ी सी कॉफ़ी जो है वो इसके ऊपर से डाल दूँगी और फिर इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। कॉफ़ी को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसकी कुछ लुक जो है वो इस तरीके की आई है, और आप देख सकते हैं कितनी ही क्रीमी है, कितनी ही मज़ेदार है, और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी थी। ये कॉफ़ी रेडी की है मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून कॉफ़ी के साथ, और बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। आप इसको जो है वो स्पून के साथ भी बीट कर सकते हैं और ईज़िली अपने घर में बना सकते हैं। कॉफ़ी पर मैंने स्प्रिंकल किया है कोको पाउडर। आप चाहें तो चॉकलेट सीरम से भी इसके साथ डिफरेंट डिज़ाइंस जो हैं वो बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं लेकर आती हूँ आपके लिए इसी तरीके की इजी रेसिपीज़ जो आप लोग अपने घर में बनाकर अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।